सारा प्रणाम। अमेरिका के बाद भारत डिजिटल एजुकेशन के लिए सबसे बड़ा मार्केट है। अनुमान है कि 2021 तक ऑनलाइन एजुकेशन भारत में 2 बिलियन US डॉलर यानी करीब 13,500 करोड़ का होगा। इस समय भारत में 31% लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। देशभर में आज करीब 29 करोड़ नागरिक स्मार्टफोन्स पर हैं। आंकड़ों के मुताबिक प्राइमरी एवं सेकेंडरी सप्लीमेंट एजुकेशन यानी पूरक शिक्षा जैसे ट्यूशन कोचिंग या स्कूल के बाहर की शिक्षा का स्रोत ढूंढ रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाएं यानी टेस्ट प्रिपरेशन की डिमांड बढ़ती जा रही है, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी करोड़ों बच्चे गुणवत्तापूर्वक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। करीब 58% बच्चे प्राइमरी शिक्षा तक पूरी नहीं कर पाते और 4% बच्चे तो ऐसे हैं जो कि पूर्ण रूप से शिक्षा से वंचित रहते हैं यानी स्कूल तक नहीं जा पाते। हमारे संरक्षक परम पूजनीय परम आदरणीय सारा श्री जी ने हमेशा माना है कि हमारा देश तभी प्रगति कर सकता है जब नागरिकों को प्राइमरी लेवल यानी प्राथमिक स्तर पर उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान हो, परंतु आज उच्च गुणवत्ता शिक्षा एवं कुशल शिक्षकों की उपलब्धि में असीम दूरी है। इसी दूरी को पूरा करने के लिए हमारे संरक्षक परम पूजनीय परम आदरणीय सारा श्री के मार्गदर्शन से हमने इस अभाव को भली भांति समझा है। एवं क्वालिटी टीचर्स और छात्रों के बीच की इस दूरी को पूरा करने के लिए एडम गुरु की कार्य पद्धति एवं शिक्षा प्रणाली का आधार रखा है। यह परियोजना जो माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया मुहिम में सहारा इंडिया परिवार की ओर से देश का सबसे बड़ा योगदान है और ये सब आपके समक्ष लाया जा रहा है एडन गुरु गवर्निंग काउंसिल द्वारा। गवर्निंग काउंसिल में है देश के जाने माने एजुकेशनिस्ट एवं पर्सनालिटीज जिन्होंने देश में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। इस परियोजना में जिसका विशेष योगदान मिला है वो है हमारे एकेडमिक काउंसिल मेंबर्स। एडन गुरु एकेडमिक काउंसिल में देश के अत्यंत अनुभवी शिक्षक शामिल हैं। और यही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एडन गुरु ने अपने छात्रों के लिए एक विशेष स्टूडेंट काउंसिल बनाया है जिसमें शामिल हैं देश भर के चुनिंदा टॉपर्स। एडन गुरु में इस विकल्प को ऑनलाइन यानी इंटरनेट एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से और ऑफलाइन यानी पेन ड्राइव के द्वारा पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ई पुस्तकें ट्यूटर ऑथर्ड बुक्स के रूप में शामिल हैं, जिसमें शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए विषयों का हूबहू ट्रांसक्रिप्शन यानी प्रतिलिपि है। हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में 3,340 कोर्सेज, 2612 कोर्सेज सब्जेक्ट ट्यूटोरियल्स छठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक, CBSE एवं 10 स्टेट बोर्ड्स के लिए, 682 कोर्सेज टेस्ट प्रिपरेशन यानी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जैसे IIT, JEE, नीट, बैंकिंग, रेलवेज एवं अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स, NIFT, नाटा, होटल मैनेजमेंट, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, स्पोकन इंग्लिश में 46 कोर्सेज जिसमें 6 स्तर हैं जो कि प्रारंभिक से उच्च स्तर तक है। आज प्रेरणा दिवस के शुभ अवसर पर और एडन गुरु के औपचारिक शुभ आरंभ पर माननीय साराश्री ने
हमारे परिवार के सदस्यों एवं उनके शिशुओं के लिए एक सुंदर अवसर प्रदान किया है, ताकि परिवार की अगली पीढ़ी खुद को एडन गुरु मंच के साथ नामांकित कर सके एवं जोड़ सके। इस परियोजना के तहत दो प्रकार के कार्यक्रमों को पेश किया जा रहा है। पहला, अब स्वयं ही छात्र एडन गुरु कोर्स का मूल्यांकन करेंगे। सिर्फ छात्रों को अपनी आखिरी दी गई परीक्षा के अंक यानी आखिरी शैक्षणिक वर्ष में जितना प्रतिशत भी स्कोर किया है उतनी ही प्रतिशत मूल्य पर उनको छूट मिलेगी। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह परियोजना छठी कक्षा से बारहवीं कक्षा तक के लिए उपलब्ध है। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एडन गुरु द्वारा आयोजित एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का परिणाम एवं स्कोर ही छात्र की छूट का फैसला करेगा। दूसरा, अंग्रेजी भाषा से आपका संपर्क ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए अब एडन गुरु एब्सोल्यूट बिगनर एवं बिगनर कोर्स 30 दिन तक आपके एवं आपके परिवार के लिए परीक्षण के तौर पर दिया जा रहा है। एब्सोल्यूट बिगनर कोर्स में 72 घंटे का कोर्स एवं 191 वीडियो लेक्चर्स और बिगनर्स कोर्स में 65 घंटे का कोर्स एवं 150 वीडियो लेक्चर्स जो आप देख सकेंगे एवं सुन सकेंगे। तो आज ही एडन गुरु वेबसाइट पर जाएं या फिर गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से एडन गुरु मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। इसकी नामांकन क्रिया को समझने के लिए एडन गुरु के YouTube चैनल पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद अगले स्तर के इंग्लिश स्पोकन कोर्स को पाने के लिए आपको केवल 50% ही मूल्य देना होगा। यह परियोजना सिर्फ 14 जून से 25 जून तक ही लागू होगी। भारत में पहली बार उच्च गुणवत्ता शिक्षा आपके द्वार, एडन गुरु भारत का सबसे बड़ा डिजिटल शिक्षा ब्रह्मांड।